हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अब भी चाहते हैं आपके आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 या फिर आसूस का मैक्स प्रो M1 डिवाइस या फिर MI1 या फिर किसी भी स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस पे इस तरह और दोस्तों ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को पाना, जैसे करके देख सकते हैं, जैसे मैंने नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब पीछे का चीज़ भी यहाँ पे अब शो हो रहा है। और मेरा जो अब सेटिंग्स में जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा जो सेटिंग्स का पैनल है ये आप देख सकते बिल्कुल नया तरीके से चेंज हो गया, फ्रेश लुक आ चुका है, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो कमाल है थीम्स को इंस्टॉल करने से ये हो चुका है हम लोगों का आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 डिवाइस पे। और दोस्तों, इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं विदाउट रूट मेथड पे जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 डिवाइस का मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, और बहुत सारा वीडियो चैनल पे है भी मेरा, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जा सकते और यहाँ पे सर्च बटन, यहाँ पे टेक्नो दुनिया सर्च कर लेना और नीचे पे रेड कलर पे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना और बाजू में जो बेल वाला घंटी है इसको भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और दोस्तों, देख सकते प्ले लिस्ट की तरह मैं बहुत सारा वीडियो बनाते रहता हूँ आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का और पोको F1 का, MI1 का लेटेस्ट न्यूज टिप्स ट्रिक्स का वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना चाहिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, इस तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं विदाउट रूट मेथड पे किस तरह से आप इस थीम को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेटिंग्स में चलता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है। एडवांस सेटिंग्स में जब भी जाएंगे यहाँ पे डिवाइस थीम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, आप अगर अभी जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे डिवाइस थीम में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा आपके डिवाइस पे। तो इसको इनेबल करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में चला जाइए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप बेसिकली 2-3 थीम को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपका डिवाइस पे जो है ये वाला थीम सेक्शन आप चूज़ कर पाएंगे। वहाँ पे बहुत सारा थीम आपको मिल जाएगा, जैसे करके मैं एक एक करके चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिकली 4-5 थीम को इंस्टॉल किया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा थीम आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उसको चूज़ कर लेना। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला थीम का नाम है वाटर लेमन थीम्स। जैसे मैंने इसको चूज़ किया, यहाँ पर जो डिस्प्ले है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर पे हो गया वो, उसके बाद है किंग पर्पल थीम। जैसे मैं इसको चूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन पैनल भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और भी बहुत सारा थीम आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है, जैसे करके एंड्रॉयड सेस ओरियो थीम, तो ये कुछ इस तरह से जब क्लिक करेंगे ब्लैक पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉप डाउन पैनल भी आप देख सकते हैं ये कुछ दोस्तों इस तरह से आपके सामने शो होगा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आप दो किसी भी थीम को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपका डिवाइस पे थीम वाला सेक्शन इनेबल हो जाएगा डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर। और एडवांस सेटिंग्स में जाके वहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप बहुत ही आसान तरीके से उसको चूज़ कर सकते। और दोस्तों, इस थीम के अंदर जो कलर है ये वाला, यहाँ पे देख सकते ब्लू कलर है, रेड कलर पे था। और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नोटिफिकेशन जो पैलन है, तो इसको अगर ज़्यादा कम ट्रांसपेरेंट ओपासिटी को बढ़ा के कम करके कर सकते, पूरा टोटल थीम को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मेरी तरह ये जो थीम मैंने दिया हूँ यहाँ पे दोस्तों, मैं खुद ये थीम को एडिट करके आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इस तरह का थीम को एडिट करना तो कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से आप स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस या फिर किसी भी आसूस का डिवाइस में उसको आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का थीम को आप इनेबल कर पाएंगे और आप उसको एडिट भी कर पाएंगे आप जैसा चाहे वैसा। तो यही था दोस्तों कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आप दोस्तों आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 डिवाइस का यूज़र है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी बात कर सकते। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। और आपका जितने सारे दोस्त है जो स्टॉक एंड डिवाइस यूज करते तो उनको इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना इस तरह का लुकिंग आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।